किया गया है, किस तरीके का ये कार्यक्रम है और महिलाओं से किस तरीके का संवाद हुआ है? देखिए, मिशन शक्ति जो हमारा चल रहा है उसी का एक कंपोनेंट ऑपरेशन जागृति, हमारी एडीजी मैम जो आगरा हैं उनके गाइडेंस में इसको प्रोग्राम को किया जा रहा है। इसके अंदर में हम लोग सभी लोग जो अधिकारी गण भी हैं और जो पुलिस और प्रशासन सभी लोग मिल के एक टीम भावना के साथ में सारे गाँव, सारे जो हमारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, ग्राम सभा है, उसमें जा जा के मीटिंगें कर रहे हैं। मीटिंगों में हम लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि स्त्री अपराध लगभग 20% ऑफ टोटल अपराध है, स्पेशली इन आगरा जोन। तो इसमें ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि पहला कि जो फॉल्स मुकदमे हैं, फॉल्स FIR कई बार हम देखते हैं कि जमीन नाली खड़ंजे के मामलों के अंदर में भी स्त्री अपराध लिखवा दिए जाते हैं, उनसे बचा जाए। दूसरा कि साइबर बुलिंग जो है इंटरनेट में कई बार होती है, उससे बचा जाए। तीसरा, इसके अंदर में जो हम ये देखते हैं कि कई बार जो घरों में ओपन एटमॉस्फेयर नहीं होता है, गुड टच बैड टच के बारे में नहीं बताया जाता है उस चीज़ के बारे में। और लास्ट जो है वो यदि किसी के साथ अपराध, स्त्री अपराध होता है तो उसमें उसके साथ में सहानुभूति, जो उसका परिवार है उसके साथ में सहानुभूति, और उसमें जो उसको न्याय की व्यवस्था है उसमें सभी समाज पूरा मिलकर, न केवल पुलिस बट पूरा समाज मिलकर साथ में काम करे, तो इससे निश्चित ही रूप से एक आमूलचूल परिवर्तन आएगा। तो इसकी जो सेंसिटिविटी है उसको बताया जा रहा है। इसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो अधिकतर स्त्री अपराध होते हैं, स्पेशली जो बच्चों के साथ में होते हैं, वो नोन पर्सन्स के द्वारा किए जाते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं उन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। उसमें गुड टच बड टच वगैरह की चीज़ें भी जो है वो समाज के अंदर में सभी लोगों को बताई जानी चाहिए। इस तरीके से एक अच्छा काउंसलिंग का एक अभियान है और इससे निश्चित रूप से अपराध और अपराधियों में जो है वो कमी आएगी और इसका एक अच्छा परिणाम हमको देखेंगे।